तो दोस्तों मनीषा रानी का नया गाना आउट हो चुका है, और कैसा है ये गाना, ऑडियंस को कितना ज्यादा पसंद आ रहा है, ऑडियंस का क्या रिएक्शन आया है इस पे, नेगेटिव है गाना या पॉजिटिव है, या ओवरऑल किस तरीके का रिस्पॉन्स आया है जनता का, और क्या कह रही है जनता इस गाने के बारे में, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांत। आपको बता दें कि भाई इस समय पर मनीषा रानी को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और ख़ास करके उनका अप्रिशिएशन हो रहा है, ये कहते हुए कि यार एक छोटे से स्मॉल टाउन से निकली हुई लड़की आज इस मुकाम पर है कि उसकी उसका गाना जो है वो टी सीरीज से आया है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लेबल है, मतलब एक बोलते हैं ना इंडिया का सबसे बड़ा लेबल है टी सीरीज एक्चुअली में, और उस लेबल से आपका गाना आना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इस वजह से मनीषा रानी का अप्रिशिएशन हो रहा है, लेकिन ये जो गाना है लाइक मनीषा रानी के लिए वॉइस अगर किसी ने दी है तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि श्रेया घोषाल, और श्रेया घोषाल भाई मतलब खुद में एक लेजेंड, और उनकी आवाज़ मनीषा को मिली मतलब क्या ही कहा जाए इस बारे में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई गाना बहुत फैंटास्टिक है, बहुत फेबुलस है, एक्शन दिया गया और उसी के साथ साथ एक प्यार वाला एंगल भी दिखाया गया, बोलते ना सम टाइप ऑफ एक्शन जो चाहिए था, मतलब और कि बहुत सारे लोगों ने जब मैंने भी टीज़र देखा मुझे लगा भाई कोई मूवी तो नहीं बना दी इन लोगों ने, मतलब बेसिकली उसी टाइप का टच देने की कोशिश की गई है, और ओवरऑल गाना बहुत प्यारा है। टोनी कक्कर ने भी बहुत बढ़िया इसमें अपनी आवाज़ दी है, लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा कि टोनी ने अपना दिया हुआ वादा मनीषा को पूरा किया है कि मैं आपको गाने दूंगा, और एक दो ये तीसरा गाना है जो मनीषा कर रही है टोनी कक्कर के साथ, ये भाई खुद में बहुत बड़ी बात है कि इस समय मनीषा एक तरक्की की सीढ़ी पर ही है। लेकिन पार्थ संतान और मनीषा की जो जोड़ी थी भाई आहा क्या ही कहना, पार्थ संतान बहुत ब्रिलियंट एक्टर, बहुत फेबुलस एक्टर, और मनीषा के बारे में जिन लोगों ने एक बात कही थी अगर आपको याद हो मैं दोबारा से ले चलूं कि इसको एक्टिंग नहीं आती है, ज़्यादा नहीं टिक नहीं पाएगी, भाई उनको मैं बताना चाहूँगा कि मनीषा का ये वाला सॉन्ग सुन ले, एक्टिंग करने का मौका उनको यहाँ पे मिला बखूबी तरीके से, और उन्होंने पूरा दिखाया उनके अंदर का कितना बड़ा एक्टर है जो अभी तक नहीं निकाल पाई थी बाहर बिग बॉस के घर में या बाकी जितने गाने किए उन्होंने उसमें, लेकिन इस वाले गाने में पूरा खुल के उनका एक्टर बाहर आ गया। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।